नमस्कार दोस्तों, एसीएफ एनवायरनमेंट में पांचवी यूनिट का आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन पर। ध्वनि प्रदूषण साउंड पोल्यूशन, साउंड या फिर नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन जो है ये आवाज की तीव्रता के कारण ही उत्पन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण एक तरह से आवाज की जो अलग अलग तीव्रता होती है, अगर आवाज की तीव्रता ज्यादा होती है तो उसी को ध्वनि प्रदूषण में रखा जाता है, और अगर ये आवाज की जो तीव्रता होगी इसके कारण जो मानव जीव है या फिर अन्य जो जीव है उन पर अगर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है इस ध्वनि तरंगों का, तो उसे नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है। यानी ऐसी आवाज जो मनुष्य या अन्य जीवों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती है उसे क्या कहा जाता है, नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है। नॉइस पोल्यूशन पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि ध्वनि और शोर में अंतर क्या होता है। ध्वनि और शोर, ध्वनि या फिर यानी साउंड, शोर यानी फिर बात करते हैं ध्वनि जिसे अपन बोलते हैं साउंड, और दूसरा है शोर जिसे अपन बोलते हैं नॉइस। ये दो चीजें हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ध्वनि और शोर में क्या अंतर है? ध्वनि और शोर में अंतर यह है कि ध्वनि, सामान्य आवाज को ध्वनि कहा जाता है, यानी किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज जो होती है उसे अपन ध्वनि या फिर साउंड कहते हैं। दूसरा है शोर या फिर नॉइस। शोर या फिर नॉइस का मतलब यह है कि जब ध्वनि की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है तो उसे नॉइस कहा जाता है। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज ध्वनि कहलाती है, और शोर कब कहते हैं, जब ध्वनि की तीव्रता अत्यधिक हो तो उसे शोर या नॉइस कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉइस कहा जाता है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। ऐसी आवाज या ऐसी ध्वनि जिसकी तीव्रता अत्यधिक ऊंच हो और जिसके कारण मानव या अन्य जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ऐसी ध्वनि जिसकी तीव्रता अत्यधिक हो तथा जिसके कारण मानव या अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, उसे ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, ध्वनि प्रदूषण या फिर नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन में आवाज या साउंड जो है वो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। आवाज या साउंड ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, ध्वनि है जिसकी तीव्रता अगर ज्यादा हो जाती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर वही ध्वनि प्रदूषण जो है वो कितने प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर ध्वनि प्रदूषण
और इसमें अपन देखा कि शोर और ध्वनि जो है उसमें क्या अंतर है तथा ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि की उत्पत्ति। ध्वनि की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, प्राकृतिक और मानव जनित और दूसरा है प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक में आपके जो ज्वालामुखी है, इसके अलावा जितने भी ये जो आपके भूकंप वगैरह हैं, इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें प्राकृतिक ध्वनि, और मानव जनित ध्वनि के स्रोत जैसे जितने भी उपकरण मानव ने बनाए हैं वो मानव जनित ध्वनि उत्पत्ति में आते हैं। तो इसमें से तो क्वेश्चन बनने की कोई संभावना है नहीं। अब अपन बात करते हैं आपके जो ध्वनि प्रदूषण है, ये ऐसा प्रदूषण है जिसका तत्काल प्रभाव जीवों पर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का तत्काल प्रभाव जीवों पर पड़ता है। दूसरा, ध्वनि का स्रोत जितना ज्यादा दूर होगा उसका प्रभाव उतना ही कम ज्यादा होता हुआ जाएगा। अगर ध्वनि स्रोत के पास कोई वस्तु स्थित है तो इस पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव ज्यादा होगा, अगर वस्तु दूर है तो उसका प्रभाव कम होगा। यानी ध्वनि प्रदूषण जो है वो स्रोत से दूरी पर निर्भर करता है। अगर दूरी ज्यादा है तो ध्वनि की तीव्रता कम होती जाएगी और वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण जो है इसकी कोई सांद्रता नहीं होती है, ध्वनि प्रदूषण की कोई सांद्रता नहीं होती। बाकी जितने भी प्रदूषक हैं उनकी सांद्रता होती है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण की कोई सांद्रता नहीं होती है। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है, जिसके खोजकर्ता ग्राहम बेल। खोजकर्ता कौन है इसके? ग्राहम बेल। इसके अलावा दूसरा, डेसिबल जो इकाई है ये अगर इसको मापेंगे तो ये जीरो से शुरू होती है, ये है शून्य से शुरू होता है, यानी इसका पैमाना जीरो से फिर आगे बढ़ता है, एक दो तीन चार इस प्रकार इसका पैमाना जो है वो जीरो से शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। दूसरा, अपन बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता को प्रति वर्ग क्षेत्रफल में भी वाट इकाई के रूप में मापा जाता है। इसकी अन्य इकाई की अगर बात करें तो अन्य इकाई इसकी है ध्वनि प्रदूषण की वाट प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी अन्य इकाई है, एक इकाई इसकी डेसिबल है, दूसरी है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। यानी प्रति वर्ग क्षेत्रफल में वाट इकाई के आधार पर ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। अब बात करते हैं ध्वनि दाब क्या होता है। ध्वनि दाब साउंड प्रेशर, ध्वनि दाब भी एक तरह से ध्वनि की तीव्रता का मापन है, यानी इसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता का अपन मापन कर सकते हैं ध्वनि दाब के द्वारा। ध्वनि दाब का मापक इकाई वेटेड साउंड प्रेशर जिसे SPL भी कहा जाता है। वेटेड साउंड प्रेशर के आधार पर जो ध्वनि है उसका मापन किया जाता है, इसे भारित ध्वनि दाब भी कहा जाता है। वेटेड साउंड प्रेशर भारित
ध्वनि प्रदूषक, इसे डीबीए के रूप में लिखा जाता है। ये जो भारित ध्वनि दाब है, भारित ध्वनि दाब का मापन डेसिबल या अन्य इकाई की तुलना में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसके मापन के उपकरण आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसका मापन आसानी से किया जा सकता है, इसका मापन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके निर्माण के जो उपकरण है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। ध्वनि विज्ञान की शाखा एकोस्टिक कहलाती है। ध्वनि विज्ञान की शाखा ध्वनि विज्ञान की शाखा जो है उसे एकोस्टिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एकोस्टिक कहा जाता है ऐसी विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें साउंड की स्टडी की जाती है, उसे एकोस्टिक कहा जाता है। अगर बात करें डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण की, तो सामान्य खुशखुशाहट जो की आवाज जो होती है उसकी जो माप है वो 30 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत साठ डेसिबल और प्रदूषण की श्रेणी में 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो प्रदूषण की श्रेणी में शामिल होती है। ध्वनि की आवृत्ति का मापन हर्ट्ज में किया जाता है। ध्वनि की आवृत्ति का मापन हर्ट्ज में किया जाता है और इसके आधार पर ध्वनि को तीन भागों में बांटा जाता है, अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अश्रव्य जो की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति अश्रव्य में आती है। श्रव्य की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आती है। पराश्रव्य की जो ध्वनि होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति की ध्वनि होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके ध्वनि की आवृत्ति का जो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि जो है वो इस रेंज में आती है। मानव जो है वो सामान्य मानव इस श्रेणी की जो ध्वनि है उसको सुन सकता है, यानी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से ज्यादा की जो ध्वनि है उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है उसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह जो है ये सुन सकते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। ऐसे कौन से कारक हैं जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारक में जैसे घरेलू कारक है, औद्योगिक कारक है, परिवहन, सामाजिक कारक या फिर प्राकृतिक कारक, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो ध्वनि प्रदूषण के कारक होते हैं। घरेलू कारक, दूसरा औद्योगिक कारक, तीसरा सामाजिक कारक, परिवहन और लास्ट है आपके प्राकृतिक कारक। तो ये तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। घरेलू कारक में घरेलू उपकरण जो होंगे वो शामिल होंगे, औद्योगिक उपकरण, सामाजिक कारक जैसे कोई
तेज आवाज में भजन कीर्तन वगैरह जो चीज है वो सामाजिक कारक में। परिवहन, परिवहन में जो साउंड आती है हॉर्न वगैरह की, या फिर साइलेंसर अगर गाड़ी का सही नहीं है तो उससे भी आवाज आती है। प्राकृतिक कारक में ज्वालामुखी और भूकंप जो है वो इसमें आते हैं, सुनामी वगैरह। अब है ध्वनि प्रदूषण के प्रकार। ध्वनि प्रदूषण के प्रकार, ध्वनि प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर पहले अपन बात करते हैं, अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर पहला है ग्रामीण ध्वनि प्रदूषण, दूसरा है उपशहरी ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है शहरी ध्वनि प्रदूषण, चौथा है औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण और पांचवा है खनन ध्वनि प्रदूषण। तो क्षेत्र के आधार पर इनको इतने भागों में बांटा जा सकता है। अब बात करते हैं स्रोत के आधार पर ध्वनि प्रदूषण, स्रोत के आधार पर ध्वनि प्रदूषण, स्रोत के आधार पर ध्वनि प्रदूषण। पहला है प्रकृतिजन्य और दूसरा है मानवजन्य, प्रकृति जनित और दूसरा है मानव जनित। ध्वनि की तीव्रता और समय के आधार पर भी ध्वनि प्रदूषण को वर्गीकृत किया जा सकता है। समय व ध्वनि की तीव्रता के आधार पर कितने टाइम तक कोई ध्वनि लगातार चलती रहती है तो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है। ध्वनि की तीव्रता व समय के आधार पर, ध्वनि की तीव्रता व समय के आधार पर वर्गीकरण, ध्वनि की तीव्रता व समय के आधार पर वर्गीकरण। पहला है अनवरत उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण, अनवरत उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, दूसरा है एक निश्चित अंतराल पर उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण यानी समय अंतराल पर उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, समय अंतराल पर उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण। तीसरा है आकस्मिक ध्वनि प्रदूषण। ये तीन प्रकार के ध्वनि प्रदूषण समय और तीव्रता के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा जाता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारक, सॉरी ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मानव पर प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, इमारतों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी कारक जो है वो ध्वनि प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। पहला है जंतु व पर्यावरण पर प्रभाव, जंतु व पर्यावरण पर प्रभाव, जंतु व मानव पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्री जीव जो हैं उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्री जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इससे मर जाते हैं और इससे अपघटन की प्रक्रिया जो है वो धीरे हो जाती है। दूसरा व्हेल मछली जो है वो इससे बहुत अधिक प्रभावित होती है ध्वनि प्रदूषण से। इसके अलावा एक जेब्रा फिश नाम की मछली होती है, जेब्रा फिश जो मछली होती है वो ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने सहयोगी से संचार स्थापित नहीं कर पाती है। इस मछली को क्या कहा जाता है, जेब्रा फिश मछली कहा जाता है। इसके अलावा जंतु में तंत्रिका तंत्र रोग, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जंतु पर्यावरण पर प्रभाव पड़े तो व्हेल मछली पर
पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है जेब्रा फ्रिज, मछली सहयोगी से संचार नहीं कर पाती। तीसरा सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और सूक्ष्म जीव जब मर जाते हैं तो अपघटन की क्रिया नहीं हो पाती, यानी डीकंपोजिशन नहीं हो पाता। आकस्मिक धार्मिक ये जो जंतु पर प्रभाव है, इससे जंतु पर तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं, इस पर प्रभाव ध्वनि प्रदूषण का पड़ता है। दूसरा बात करते हैं मानव पर प्रभाव, मानव पर ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव पर अगर प्रभाव की बात करें तो मानव पर सामान्य प्रभाव पड़ता है, स्वर सब यानी ऑडिबल प्रभाव पड़ता है, मानव जो है वो धीरे धीरे सुन नहीं पाता। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ते हैं। तो मनुष्य पर पड़ने पर वाले प्रभाव जो है उनको चार भागों में बांटा जा सकता है। मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव, मानव पर प्रभाव, पहला है सामान्य प्रभाव, दूसरा है स्वर्ण शक्ति प्रभाव, तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, और चौथा है शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव, ये चार प्रकार के प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं। सामान्य प्रभाव, सामान्य प्रभाव में चिड़चिड़ापन, सरदर्द, ये चीजें जो है वो सामान्य प्रभाव में होती है। दूसरा है स्वर्ण शक्ति ऑडिबल प्रभाव, ऑडिबल प्रभाव में व्यक्ति सुन नहीं पाता, व्यक्ति सुन नहीं पाता। इस स्थिति में ये स्थिति कब होती है, जब 90 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि व्यक्ति सुनता है। तो 90 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि जो होती है वो स्वर्ण शक्ति पर प्रभाव डालती है। तीसरा है, और WHO ने जो लिमिट निर्धारित की है वो है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य हेतु प्रभावित, मनुष्य को प्रभाव डालती है। इसके अलावा अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, ध्वनि की तीव्रता होती है, या फिर ध्वनि की जो अवधि होती है, वो सभी स्वर्ण शक्ति पर प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा व्यक्ति की जो संवेदनशीलता है वो भी स्वर्ण शक्ति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव तब होता है जब दीर्घ अवधि में ध्वनि प्रदूषण, दीर्घ अवधि में जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो मनुष्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इससे न्यूरोमेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, न्यूरोमेंटल डिसऑर्डर, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन यानी मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव इत्यादि समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारण के कारण होती है। अब है शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव में जैसे हाई बीपी, इसके अलावा आपके हृदय रोग, अल्सर, गर्भपात, अल्सर, ये सारी समस्याएं शारीरिक प्रभाव के अंतर्गत आती है। तो ये है मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव। मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभावों को अपने चार भागों में विभाजित किया। अगर इसको इसी चीज को अगर ग्राफ के द्वारा समझें तो
जो 50 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, 50 डेसिबल वो क्या है, सामान्य प्रभाव। फिर जो ध्वनि होती है 90 डेसिबल, उस पर स्वर्ण शक्ति प्रभाव पड़ता है, यानी इससे ऑडिबल पावर जब मनुष्य की खत्म हो जाती है। इसी प्रकार अगर 60 डेसिबल के बीच की ध्वनि जो हो, तो उससे 1 मीटर के बीच अगर दो व्यक्ति स्थित हैं, तो 1 मीटर के बीच की जो बातचीत है वो इससे प्रभावित होती है। नेक्स्ट आपके 130 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। 150 डेसिबल की जो ध्वनि होती है उससे शारीरिक प्रभाव होते हैं। इस प्रकार मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभावों को अपने 4 भागों में बांटा है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसमें दिन का जो समय होता है ध्वनि प्रदूषण में, दिन का समय जो होगा वो काउंट होता है सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और रात का समय रात्रि 10 बजे से 6 AM तक, रात्रि 10 PM से 6 AM तक ध्वनि प्रदूषण के दिन और रात काउंट होते हैं। जो ऐसे क्षेत्र जहां पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, जैसे कोई अस्पताल है या फिर कोई स्कूल है या फिर अन्य कोई संस्था है, तो इनसे 100 मीटर का जो दायरा होता है उसमें वायु ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, यानी उसकी पेरिफेरी में 100 मीटर की जो रेंज है वहां तक ऐसे क्षेत्र को शांत क्षेत्र में शामिल किया जाता है, शांत क्षेत्र। तो अस्पताल के 100 मीटर का जो दायरा होता है उस दायरे में ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रियल टाइम कंटिन्यूअस एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग। रियल टाइम कंटिन्यूअस एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम, रियल टाइम कंटिन्यूअस एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस नॉइस मॉनिटरिंग। यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम 9 शहरों के 35 स्थानों पर इसको स्थापित किया गया है जहां पर ध्वनि प्रदूषण की माप की व्यवस्था है। 9 शहरों के 35 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है, कितने शहर हैं? 9 शहर के 35 स्थानों पर रियल टाइम कंटिन्यूअस एम्बिएंट मॉनिटरिंग होती है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में पहला है स्रोत पर नियंत्रण, यह सबसे प्रभावी तरीका है स्रोत पर नियंत्रण, यानी जिस स्थान से ध्वनि प्रदूषित हो रही है, प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, उसी स्थान पर अगर कंट्रोल हो जाए तो सबसे बेस्ट तरीका वही है, सबसे प्रभावी तरीका स्रोत पर नियंत्रण। इस स्थिति में वाहनों में ध्वनि शामक जिसे साइलेंसर कहा जाता है, साइलेंसर का उपयोग करना, या फिर मशीनों में स्नेहक का उपयोग, साउंड एब्जॉर्बर का उपयोग करना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है संचरण पथ पर नियंत्रण,
संचरण पथ पर नियंत्रण। पहला तो है अपने देखा स्रोत, जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसी पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो उसे स्रोत पर नियंत्रण करेंगे। दूसरा है संचरण पथ पर नियंत्रण, मान लो ये ध्वनि स्रोत जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है वहां अपन कंट्रोल नहीं कर पाए तो इसके बीच का जो रास्ता है ये जो पथ है इस पथ पर अगर नियंत्रण हो जाए तब भी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो संचरण पथ पर नियंत्रण करने के लिए अपन क्या करते हैं, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाना, इसके अलावा अवरोधक का उपयोग करना, ध्वनि अवशोषक का उपयोग करना, पेड़ पौधे लगाना, और पेड़ पौधे जो हैं वो ध्वनि की 10 से 15 डेसिबल ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, यानी उसकी तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल कम कर देते हैं। इसके अलावा अवरोधक का उपयोग, ध्वनि अवशोषक का उपयोग, ये सारा अपन कर सकते हैं संचरण पथ पर नियंत्रण के द्वारा। तीसरा है रिसीवर बिंदु पर नियंत्रण, जिस बिंदु पर साउंड रिसीव होगी उस बिंदु पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो भी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है रिसीवर बिंदु पर नियंत्रण, रिसीवर बिंदु पर नियंत्रण। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ईयर प्लग का उपयोग करते हैं, हेलमेट का उपयोग करते हैं, मफलर का उपयोग अपन करते हैं, जिसके द्वारा ध्वनि जो है उसकी तीव्रता को कम किया जा सके। चौथा है अन्य उपाय, अन्य उपायों में जैसे उचित नगर नियोजन किया जाए, नगरों को इस प्रकार से बनाया जाए कि ध्वनि का प्रभाव जो है वो कम से कम हो सके, वाइब्रेशन डंपिंग का उपयोग किया जाना चाहिए, जन जागरूकता फैलानी चाहिए, यानी पहला है नगर नियोजन उचित हो, नगर नियोजन जो है उसको उचित किया जाए। दूसरा है इंसुलेशन, वाइब्रेशन डंपिंग, तीसरा है जन जागरूकता। तो इन चार प्रकार से अपन ध्वनि को प्रदूषित कर प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु क्या क्या उपाय किए गए। गवर्नमेंट द्वारा किए गए उपाय, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून लाया गया, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 जो है उसमें 1987 को संशोधन किया गया, तो उसमें ध्वनि प्रदूषण को इसमें शामिल किया गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 में वर्ष 1987 में संशोधन किया गया, और इस संशोधन में क्या गया, इसमें ध्वनि प्रदूषण को इसमें शामिल किया गया, ध्वनि प्रदूषण को इसमें शामिल किया गया। तो ध्वनि प्रदूषण की जो परिभाषा है वो इस एक्ट के तहत अपने को मिलती है। साथ में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 जो है
उसमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण रोकने के उपाय किए गए हैं कि धारा 6 में ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय का प्रावधान इसमें किया गया है। तो धारा कौन सी है? 1986 का जो अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण विनियम एवं नियंत्रण नियम 2000। ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000। इस नियमों में ये जो ध्वनि प्रदूषण विनियम एवं नियंत्रण नियम जो है वो तो जो 14 फरवरी 2000 को ये प्रभावी हुए। प्रभावी कब हुए? 14 फरवरी 2000 को प्रभावी किए हुए, 14 फरवरी 2000 को। इसमें पटाखों को भी ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा गया, पटाखों को भी ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया गया। कब किया गया? 2002 में इसको शामिल किया गया। फिर इसी में है, इसी में रात्रि का जो समय निर्धारित किया गया है, वो जो आपको पहले बताया था, रात्रि का समय जो निर्धारित किया गया है, रात्रि का समय इसमें 10 PM से 6 AM का जो समय है वो रात्रि का समय निर्धारित किया गया है। वाहन संचलन से उत्सर्जित ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो वाहनों के चलने से उत्पन्न होती है, उसको भी इसमें इस श्रेणी में रखा गया, जैसे हॉर्न बजाना, वाहन संचलन से उत्पन्न ध्वनि, वाहन संचलन से उत्पन्न ध्वनि, जैसे हॉर्न बजाना, लाउड स्पीकर, इसको वाहन संचलन से उत्पन्न ध्वनि में शामिल किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर जो लाउड स्पीकर है उनके उपयोग में कितने डेसिबल की ध्वनि वो उत्पन्न कर सकते हैं, तो 4 दीवारी के अंदर 10 डेसिबल और वैसे 75 डेसिबल तक की ध्वनि लाउड स्पीकर उत्पन्न कर सकता है। लाउड स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि चार दीवारी में, यानी एनक्लोज जो एरिया हो वहां पर 10 डेसिबल और खुले में 75 डेसिबल तक की जो ध्वनि है उसका लाउड स्पीकर उत्पादन कर सकता है। निजी ध्वनि उत्पादक यंत्र जो होता है, निजी ध्वनि उत्पादक यंत्र जो कि एनक्लोज्ड एरिया में हो, वो 5 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पादित कर सकता है। अब ध्वनि प्रदूषण को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है और आईपीसी की धारा 269 तथा 268 और 290 जो है वो इसके तहत ध्वनि प्रदूषण को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। ध्वनि प्रदूषण को आईपीसी की धारा 168 व 290 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है, अपराध की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। तो आईपीसी की धारा 168 और 290 के तहत इसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब है जनवरी 2010 में नए
नियम बनाए गए। नए नियम क्या बनाए गए? जनवरी 2010 में यह कहा गया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण करने पर 1,00,000 रुपए की जुर्माना या फिर सजा दोनों हो सकती है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण करने पर 1,00,000 रुपए जुर्माना या सजा दोनों का प्रावधान इसमें किया गया है। और सजा जो है वो सजा भी 7 साल तक की सजा हो सकती है, 7 वर्ष तक की सजा इसमें का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ में ही एक अधिनियम लाया गया, वाहन अधिनियम 1988, वाहन अधिनियम 1988, वाहन अधिनियम 1988 जो है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि गाड़ी में हॉर्न बजाना अनावश्यक या फिर साइलेंसर का उपयोग न करने पर या फिर BIS के मानकों का उल्लंघन करने पर यह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और इस अधिनियम को 1 जुलाई 1989 से इसको लागू किया गया। इसमें क्या रखा गया? इसमें हॉर्न बजाना व साइलेंसर का उपयोग न करना तथा BIS मानकों का उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो वाहन अधिनियम 1988 और जनवरी 2010 में जो नए नियम बनाए गए हैं जिसमें 1,00,000 रुपए जुर्माना और 7 वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया। तो ये आपके ध्वनि प्रदूषण में महत्वपूर्ण बिंदु। बहुत बहुत धन्यवाद।